पर आए नेता, तो बाबा हुए निहार, रामदेव की राज लीला। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की, आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट बैट्समैन हूं बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ, अरे कंचों की प्रैक्टिस काम में लाओ, और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिपका से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ लिपका। इंडियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी With 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Let's get it touchy. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. Market pe chauke pe, market pe chauka. Market pe chauke pe, market pe chauka. Hey, it's a new one. निशाना तो लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौके पे, मौके पे चौका। सही कर सके अन्ना, बाबा ने किया वो कमाल, मंच पर आए नेता, तो बाबा हुए निहार, रामदेव की राज लीला। या आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पहले अन्ना हजारे सामाजिक आंदोलन का रास्ता छोड़ राजनीति विकल्प की तरफ बढ़े, और अब बाबा रामदेव के सामाजिक आंदोलन का राजनीतिकरण। सवाल तो उठेंगे ही, आइए आपको बताते हैं कि दरअसल क्या है ये पूरा राजनीतिक समीकरण। अनशन के रास्ते मजबूत जन लोकपाल हासिल करने की टीम अन्ना की मांग जब पूरी होती नहीं दिखी, तो उन्होंने राजनीतिक विकल्प आजमाने का फैसला कर लिया और बापू के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को बाकायदा वो अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। अब खास बात यह है कि अगर पार्टी के रूप में टीम अन्ना राजनीतिक अखाड़े में उतरेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। बात साफ है कि अन्ना फैक्टर बीजेपी के लिए वोट कटवाने का काम करेगी, ऐसे में बीजेपी का असहज होना लाजमी है। लेकिन रामलीला मैदान में बैठे बाबा रामदेव इस गणित को बखूबी समझ रहे थे, तभी तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कांग्रेस को वोट न देने का आह्वान कर दिया। जिसको हराना है एक का तो नाम अभी बता दिया है। और जो वोट भी उनको देते थे ना, उनको जाकर के बताना है कि कितने बड़े गुनहगार हैं इस देश की लूट के लिए, बदहाली के, बर्बादी के लिए। बाबा रामदेव की ऐसी वफादारी देख बीजेपी गदगद थी। वहीं हाशिए पर आ चुके एनडीए को भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी, लिहाजा एनडीए संयोजक शरद यादव बीजेपी अध्यक्ष के साथ मंच पर पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने अपने आप को थोड़ी सहज स्थिति में ला दिया था। रही सही कसर
गडकरी साहब ने मंच से पूरी कर दी। रामदेव बाबा जी यहां आंदोलन के लिए बैठे हैं, वो कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं है, कोई राजनीतिक स्वार्थ से ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो सही अर्थ में लड़ाई लड़ रहे हैं देश की स्वाधीनता के लिए, देश को भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो विदेशी बैंकों में काला धन है वो वापस लाना ये कहना देश में कोई गुनाह है? काला धन वापस लाओ कहने वालों को लाठियां मिलेगी, उनको कुचला जाएगा, और ये आंदोलन करने वाले रामदेव बाबा जी के सहयोगी आचार्य क्या नाम बालकृष्णन जी, इनको तो सीबीआई लगाकर जेल में डाला गया द्वेषपूर्ण रवैयों से। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में अपना जनाधार गंवा चुकी बीजेपी को गांव गांव तक फैले रामदेव के भक्तों के बारे में बखूबी पता है जो उनके संभावित वोटर हो सकते हैं। बाबा रामदेव का ये पूरा सिस्टम 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये गठजोड़ एक तरफा नहीं है। अन्ना के अनशन और अपने पिछले अनशन का हश्र देख चुके बाबा रामदेव को भी राजनीतिक संरक्षण की सख्त दरकार थी, क्योंकि बिना राजनीतिक मंच के सरकार से लड़ना अब बाबा के लिए मुश्किल हो सकता था। जरा सोचिए, अगर शरद यादव और गडकरी रामदेव के मंच पर नहीं आते तो इनके आंदोलन का क्या होता? कुछ दिन अनशन होता और फिर टाए टाए फिस। ये दोनों बाबा के लिए वैसे ही साबित हुए जैसे हस्तिनापुर के दरबार में श्री कृष्ण पहुंच गए थे। मामला साफ है, रिश्ता बराबरी का है। यूं कहें कि आज की तारीख में बाबा और बीजेपी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, और इस रिश्ते की तासीर बहुत जल्द सियासी गलियारों में दिखनी शुरू भी हो जाएगी। बाबा रामदेव का आंदोलन सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक हो चुका है। जिस तरीके से आरएसएस पर लगातार आरोप लग रहे थे कि बाबा रामदेव के आंदोलन के पीछे आरएसएस का हाथ है, वो आरोप आज नितिन गडकरी के मंच पर पहुंचते ही और भी पुख्ता हो चुके हैं। इस राजनीतिक आंदोलन का 2014 इलेक्शन में किसको कितना फायदा मिलेगा ये अब देखना बाकी है। सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, नई दिल्ली। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, सुनीता गोदारा जी अन्ना हजारे की सहयोगी हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सुनीता जी, यहां पर जो आंदोलन शुरू हुआ था, सामाजिक आंदोलन नाम दिया गया, अन्ना हजारे ने भी आंदोलन शुरू किया, राजनीतिक विकल्प देने आ गए, उसके बाद बाबा रामदेव आते हैं, वो भी उनकी गाड़ी भी कहीं ना कहीं उधर जाती है, आखिर क्यों? मेरे हिसाब से तो कोई गाड़ी कहीं किसी की नहीं उतर रही है। आंदोलन जो है वो आंदोलन कभी मरते नहीं है, उनमें जो मुद्दे उठते हैं ना वो खास बात होती है। अच्छा। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये जो आज की सरकार है या जहां जहां सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं वो लूट इतने लूट में व्यस्त हो गए हैं, इतने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सब एक साथ मिल चुके हैं। अच्छा। कि उन्हें मुद्दे नहीं नजर आ रहे, उन्हें ये नहीं नजर आ रहा कि इन्होंने क्या किया है। ये पन्नालाल का पिटारा बन गया है पूरी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा देश। तो पहले तो पन्नालाल पिट गए थे। हाँ, अब जो भी अच्छे भले जो भी आंदोलन से लीडर उभर रहे हैं उनको अब पन्नालाल बनना पड़ेगा। देश लुट रहा है तो अब वो लुटेरों से बचाने के लिए जितना बच सकता है एटलीस्ट उतना बचेगा और अच्छे कामों में लगेगा। तो अब तो सब ऐसे खूब सारे पन्नालाल खड़े हो जाएं, अन्ना जी खड़े हो गए, बाबा रामदेव खड़े हो गए, और भी देखना बहुत सारे आंदोलन है, बहुत सारे मूवमेंट के लीडर्स आएंगे और सबको पन्नालाल बनना पड़ेगा, जिससे कि ये लुटेरे वहां से हटे तो पन्नालाल का कुछ खजाना बचे और वो अच्छे कामों में यूज हो। अमिताभ जी, 2014 के लिए यहां संभावनाएं देखते हैं, आज जो तस्वीर देखने को मिली। पहले तो देखिए, मैं एक ऐतिहासिक तथ्य की ओर ध्यान दिलाऊं तो सिराज मेहंदी जी से लेकर प्रमोद कृष्णन जी तक उससे सहमत होंगे, क्योंकि वो तथ्य है, वो मेरी टिप्पणी नहीं है। इस देश में कांग्रेस जब सत्ता में रही उसके खिलाफ जब दो ही बड़े आंदोलन हुए, एक आपातकाल के बाद हुआ, दूसरा हुआ बीपी सिंह का, उन दोनों में मुझे कोई व्यक्ति बता दे जिसने इस देश के लोक जीवन को सड़कों पर घूम कर देखा होगा, वो सहमत होगा कि बिना आरएसएस के सहयोग के कौन सा आंदोलन चला। और आरएसएस से सहयोग लेना वर्जित है, त्याज्य है, ये ताजराते हिंद में कहां लिखा? बिल्कुल, एक पहली तो सवाल ये महत्वपूर्ण है।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस और जमाती इस्लामी के बहस में मत उलझिए और जो लोग उलझाना चाहते हैं उनको भी दफा करिए। सिर्फ ये देखिए भय भूख गरीबी भ्रष्टाचार मिटना चाहिए या नहीं, और मिटना चाहिए तो प्रामाणिकता के साथ मिटना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, अन्ना की टोपी सीधी है या टेढ़ी है इससे क्या बहस में फर्क पड़ता है? बाबा लाल कपड़ा पहने हैं या प्रमोद जी की तरह सफेद शॉल ओढ़े हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? काला धन तो सफेद नहीं हो जाएगा। सही बात है, हमारा पैसा हमारे घर का पैसा दूसरा ले गया भाई, उसको वापस क्यों नहीं लाया जाए? इतने पर केंद्रित क्यों नहीं होते? और जब कृष्ण के जीवन को आप पढ़ेंगे ना, महाभारत को, राम और कृष्ण में फर्क है, और इस देश में प्रमोद जी सहमत होंगे, विष्णु का पूर्ण अवतार भारतीय मनीषा में एक ही माना गया कृष्ण, राम को पूर्ण अवतार नहीं माना गया, समंशावतार है। तो कृष्ण को पढ़िए तो जो रामदेव कर रहे हैं वो ठीक लीला है, वो जान गए कि इनसे लड़ना ऐसे संभव नहीं तो लाठी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ढाल के लिए भाई सेल्फ डिफेंस में आदमी कुछ तो रखेगा ना अपने पास, बिल्कुल, असला नहीं रखे तो सुरक्षा कवच तो रखेगा। तो सुरक्षा कवच आज के समय में कौन है? मुलायम सिंह, मायावती, गडकरी, ये सब लोग हैं ना। बिल्कुल, नहीं तो मैं हैरान हूँ, लाख दो लाख पांच लाख हम मान ले आदमी आए, पूरे देश में नहीं आया, प्रमोद जी की बात मान लेता हूँ, अगर लाख दो लाख आदमी भी आ रहा है दिल्ली में भूखा प्यासा बैठा है, तो जिसके वोट से हम राज कर रहे हैं मेरे भाई, क्या इतना फर्ज नहीं बनता कि जिम्मेदार आदमी जाके दो मीठे बोल बोल दे सरकार से? सरकार किस लिए चुनी जाती है? मेरा प्रश्न ये नहीं कि भाजपा की सरकार है कि कांग्रेस की, भाजपा की होती तो भी मैं इतने ही तीखे स्वर में उससे पूछता, बिल्कुल, कि आपका आवाम यहाँ दस्तक देने आया और राजा को इतनी भी कर्टसी नहीं कि एक बार निकल के ये कह दे कि हाँ बोलो क्या तकलीफ है? जी सुनीता जी, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। अच्छा। अब आपने देखा होगा जो बाबा रामदेव की रैली निकली लास्ट में, जब उसको जेल ले जा रहे थे, उस समय जो माहौल था, मतलब देखिए रैली के लिए नहीं तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, कितना कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन बसें थी, लोग थे, सब सड़कों पे आ गए और कांग्रेस लेके जा रही है उनको, कहां लेके जा रही है? जेल। लेकिन जो जनता देख रही है उसको वो मुद्दा दिख रहा है, उसको बाबा रामदेव दिख रहे हैं, तो ये जो सरकार है ये खुद इन आंदोलनों को बड़ा करती जा रही है, जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आंदोलन बड़े होते जा रहे हैं और ऐसे खूब आंदोलन होंगे, और अगर अभी भी ये सरकार नहीं जगी तो कब ये आंदोलन, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई और सिविल वार में परिवर्तित हो गए तो इस बार अंग्रेज नहीं है, टारगेट यही लोग बनेंगे जो लूटते हैं। सिराज मेहंदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से, कांग्रेसी नेता हैं। सिराज जी मुद्दे पर रहिए, आप लोग हमेशा कहते रहते हैं आरएसएस के एजेंट हैं बाबा रामदेव, लेकिन मुद्दा तो सही है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसा है, आप कितनी भी बात करिए जनता सब समझ रही है, क्या जैसे समझ रही कोई है? डिग्री लेने लंदन जाता है, अमेरिका जाता है, दिल्ली जाता है गांव का आदमी डिग्री लेने के लिए, बाबा रामदेव जी तीन दिन की डिग्री लेने के लिए गुजरात गए और गुजरात में ट्रेनिंग करके वो दिल्ली पहुंचे हैं। सुसाइज बाद जो आदमी गुजरात जैसे प्रदेश से ट्रेनिंग लेकर के आया वो क्या सोचेगा, इसको पूरा देश जान रहा है, पूरा मुल्क जान रहा है, मुद्दा लेके कौन चल रहा है इसको आप नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दा लेके बाबा रामदेव चल रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिनके लोग जेल में जा रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना, आरोप है तो कार्रवाई करिए। साथी जेल गया और सीबीआई एक बार बार हम लोग कह रहे हैं सीबीआई अपने को बचाने के लिए, अच्छा, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हम फंस रहे हैं, ये जनता के बीच में जा रहे हैं। अब आप बात यहाँ कर रहे हैं जयप्रकाश जी की, आप बात कर रहे हैं लोहिया जी की, जो एक आदर्श रहे हैं और उनको इनसे मिला रहे हैं। महाराज आदर्श नहीं रहे, आपने उनको भी जेल में बंद कर दिया, उनकी किडनी खराब हो गई थी जेपी की, आदर्श कैसे रहे आपके? लेकिन आपने उनको भी बंद कर दिया था हुजूर, और मैं एफआईआर कोर्ट करूं जो एफआईआर लिखाई थी उस समय की सरकार ने जयप्रकाश जी के खिलाफ? नहीं, और आप कह रहे हैं आरएसएस उनसे भी जुड़ा हुआ था, आप कह रहे आरएसएस उनसे भी जुड़ा हुआ जी था? हाँ। अरे कतई ही नहीं, ऐसा कैसे आप कहें जिसको पूरा कोई नहीं मानने को तैयार होगा? महाराज सिराज भाई, अरे भाई महाराज कैसे मान लेंगे? महाराज कैसे मान लेंगे आपकी बात? शूटिंग द मैसेंजर वाली कहावत को खत्म करिए, डोंट शूट द मैसेंजर। सवाल बात कर आप मैसेज लीजिए, कोई ऐसा आदमी देश में नहीं जो नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार दूर हो, चाहते नहीं है लेकिन करेंगे। सरकार उसकी प्रक्रिया कर रही है, प्रक्रिया एक प्रक्रिया इतनी लंबी है इनकी कि उम्रदराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में है, वहां जो हमारी संधि हुई उसमें ये क्लियर कहा गया है, जो एग्रीमेंट हुआ कि अभी आप नाम नहीं घोषित करेंगे जब तक पैसा आपका नहीं पहुंच जाता है। सरकार पूरी तरीके से तत्पर है इस पर काम करने के लिए, ये तो अपने बचाने के लिए, अपने को जोड़ने के लिए
एक मरी हुई पार्टी को जिंदा अच्छा, करने के लिए सारी राजनीति सरकार हो रही है। सरकार जो ये कोशिश कर रही है सिराज जी, राजनीति अपनी पार्टी को जिंदा कर लीजिए और कुछ भला कर दीजिए। नहीं सिराज जी, जो सरकार कोशिश कर रही है वो कोशिश कब तक चलती रहेगी, कई साल और हमको इंतजार करना पड़ेगा। अन्ना जी के अनशन में भी यही लोग आए थे और आज केजरीवाल कह रहे हैं।